एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लिव विद अस। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अभी ये इवनिंग का टाइम हो रहा है और आयु को आज दोपहर में मैं सुलाने लेकर गई थी तो मैं भी साथ में सो गई, क्योंकि बाहर बहुत अच्छा सा क्लाउडी वेदर हो रहा था और उसको सुलाते सुलाते मेरी भी नींद लग गई। तो अभी जस्ट हम दोनों ही सोकर उठे हैं और अभी चाय वगैरह पी है, आयु को दूध दिया था पीने के लिए और बस बैठे हैं। देन उसके बाद मेरे को कुछ हेल्दी स्नैक्स बनाना था तो आज मैंने सैंडविचेस बनाए। तो सैंडविचेस में यहाँ पर एक पोटैटो लिया है मैंने और पोटैटो के साथ सारी वेजिटेबल्स मैं इसमें ऐड कर दूंगी ताकि आयु ये अच्छे से खा पाएगा। और आयु के लिए, मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए, हम तीनों के लिए मेरे को बनाना था ये। बाकी दाल और राइस तो बना ही था बट मैंने तो यही खाया था एज अ इवनिंग डिनर। और बस इन सारे वेजिटेबल्स को ऐड कर लें, कॉर्न है, प्याज है और कैप्सिकम मैंने डाली है इसमें और बीट रूट को कद्दूकस करके डाला है ताकि बच्चे अच्छे से खा लें। अब ये सारी पिज्ज़ा सीजनिंग रखी हुई थी मेरे पास, ये रेड चिली फ्लेक्स थे, ये डालूंगी। ये थोड़ा कम ही अमाउंट में डालूंगी जस्ट फॉर टेस्ट, क्योंकि आयु को भी खाना है। ये ओरिगेनो लीव्स है, ये भी डाला है और साथ में पार्सले लीव्स भी डाली हैं। बाकी आपके घर में जो भी आपको, जो अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। मायोनी डाला है थोड़ा सा ताकि वो बाइंड हो जाए। मायोनी ना हो तो आप थोड़ा सा इसमें कर्ड भी ऐड कर सकते हैं तो कर्ड से वो पूरा बाइंड हो जाएगा। और वो ना हो तो मलाई को भी ऐड कर सकते हैं ताकि बच्चे खा लें। एंड देन इन सबको अच्छे से आप मिक्स कर दो बाइंड करने के लिए। अभी पहले मैं अपना सैंडविच बना रही हूँ क्योंकि आयुक ने अभी जस्ट मिल्क दूध पिया था तो उसको भूख नहीं है, उसको जब वो खाएगा तब तुरंत बनाऊंगी, नहीं तो सौगी सौगी सा हो जाता है। तो मेरे में मैंने चीज़ नहीं डाला है, आयु के में मैं चीज़ डालकर ही बनाऊंगी ये सैंडविच। तो अभी मैंने अपने सैंडविच की क्लिपिंग ली है, उसको मैंने थोड़ी रात में ही खिलाया था 8 बजे करीब सैंडविच बनाकर। तो ये बन गया है टमाटो केचप ग्रीन चटनी, जिसके साथ भी आपको खाना खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। बच्चों के पेट में सारा वेजिटेबल्स चला जाता है और बच्चों को अच्छा टेस्टी लगता है वो। और यहाँ पर अभी हम लोग ने आजकल न्यू रूटीन फॉलो किया है, डेली हम लोग स्क्रैबल खेलते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, और आयु को भी इन्वॉल्व करते हैं, उसे खूब मज़ा आता है। तो इसमें हम लोगों का ना 1 आवर 1.5 घंटा ऐसा, मतलब बहुत अच्छे से टाइम पास हो जाता है। और अभी कोविड का टाइम है तो बाहर तो ऐसे निकल नहीं रहे हैं और आयु को भी मज़ा आता है जब हम दोनों कुछ खेल रहे होते हैं तो वो भी इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है और बहुत देर तक उसका भी टाइम पास हो जाता है। तो अभी हम लोग, और ये स्क्रैबल गेम हमने अब निकाला, नहीं तो आयु जब नहीं था तब मतलब तब मैं और मेरे हस्बैंड ये दिन में पत्नी कितनी बार खेल लेते थे ये वाला गेम। बहुत अच्छा लगता था हम लोगों को स्क्रैबल खेलना और आयु को भी अब हम लोग धीरे धीरे सिखा रहे हैं। अभी तो वो बच्चा है, बस उसको बस कलेक्ट करने में, उसको छोटी छोटी एक्टिविटी देते रहते हैं खेलते टाइम कि वो जो से नंबर लेटर्स जो है वो हमें पिक कर कर दे, तो उससे भी मज़ा आता है कि उसको इन्वॉल्व करते हैं। तो बस ऐसे ही हम लोग खेलते हैं। अभी सोच रहे हैं कि कैरम बोर्ड वगैरह भी लेकर आए ताकि उसमें तो आयु खेल लेगा कैरम बोर्ड, क्योंकि उसमें उसको मज़ा आएगा। और अभी ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, स्क्रैबल वर्ड्स बनाने पड़ते हैं तो अभी बच्चा बहुत छोटा है उसके लिए, तो अभी बस हम उसको लिए थोड़ा बहुत इन्जॉय करवाते हैं कि भाई वो भी खेल ले और उसका भी थोड़ा टाइम पास हो। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड जीते हैं, हर बार वही जीतते हैं, मैं लास्ट टाइम मैं भी जीती थी बट हम लोग ने वो वीडियो कैप्चर नहीं किया। और यहाँ पर आयु हमारा खेल रहा है, क्या कर रहे हो आयु? इतने सारे टॉयज हैं आयु, तो खेलो उनसे, इतने सारे टॉयज हैं मम्मी। सो गाइस, नेक्स्ट डे थोड़ा वेदर अच्छा हुआ था तो हम लोगों ने सोचा वॉक करें, क्योंकि आइस वगैरह सब मेल्ट हो गई थी तो वॉक करना इजी हो जाता है। नहीं तो अगर आइस अगर रहे रोड पे तो स्लिपरी रहती है तो आप वॉक नहीं कर पाते हैं और वॉक करने में बहुत ही ज़्यादा रिस्की रहता है वो, अगर आप गिर जाएं तो हड्डियों में भी चोट लग सकती है तो वो थोड़ा फेवरेबल नहीं रहता है। तो हम लोग अभी भी, ये देखिए यहाँ रेलवे ट्रैक है उसके नीचे अभी भी स्नो जमी हुई है जो कि आइस में कन्वर्ट हो गई है। स्नो के कारण ना हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पार्किंग एरिया
किया था, पार्किंग शेड थी, ये पूरे गिर गए और एक नहीं तीन पार्किंग शेड इतने बड़े बड़े गिर गए हैं। लकीली लोगों को और जो कार थी उनको कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वो एक साइड इंक्लाइंड होकर गिरे हैं, और गिरने के बाद कार कुछ में यहाँ पार्क तो थी बट हाँ कार को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। तो ये बट थोड़ा रिस्की था क्योंकि अगर स्नो उस साइड जमी थी, आइस की शीट जम जाती है जिसके कारण ना बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है और वो इसके कारण गिर गए। वो वेट आइस स्नो का इतना वेट नहीं होता मगर जब वो आइस बन जाती है तब बहुत ज़्यादा स्नो हो जाता है। तो यहाँ पर एक और ये शेड था ये भी गिर गया। बस गाइस यही दिखाना था आपको, और व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अभी का रिपेयरिंग वर्क चल रहा है तो हो जाएगा ठीक जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय बाय।